नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी दर्शकों को प्राइम टीवी की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है। महानवमी पर मां दुर्गा के नौवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। इसके साथ ही त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार लिए थे। इस बार ये त्योहार त्रेता युग जैसे तिथि और नक्षत्र के सहयोग में मनेगा। श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए रामनवमी की पूजा दिन में ही होती है। बता दें, पूजा से बल और धन की प्राप्ति होती है। आज रामनवमी का पर्व है और बता दें आज का दिन बेहद ही खास माना जाता है। आज के दिन लोग अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। बता दें कि मां सिद्धिदात्री की सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। इसके साथ ही त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार लिए थे। बता दें इस बार ये त्योहार त्रेता युग जैसे तिथि और नक्षत्र के सहयोग में मनेगा। श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए रामनवमी की पूजा दिन में ही होती है। बता दें रामनवमी का पर्व बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। बता दें कि आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रत्येक वर्ष भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि राम नवमी इस वर्ष आज मनाई जा रही है। इस दिन भगवान राम का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी और चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन एक ही दिन होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था और इसलिए इस दिन को प्रत्येक वर्ष भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म मध्य काल के दौरान हुआ था, जो हिंदू दिवस के मध्य में पंचांग के अनुसार 6 घंटियों लगभग 2 घंटे और 24 मिनट तक चलने वाला रामनवमी पूजा अनुष्ठान करने का शुभ समय माना जाता है। बता दें कि आज रामनवमी का पावन पर्व है। अयोध्या राम जन्मभूमि है और अयोध्या में रामनवमी समारोह विशेष रूप से मनाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए राम मंदिर जाते हैं। बता दें आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्र का आज नवा दिन है। चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और पुष्प नक्षत्र में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज नवरात्र का नौवां दिन है, रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और देखा जाए जो आज श्रद्धालु इतनी भयंकर भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ है, पूरी तरीके से जो है पूरी खटाखट प्रणाम हो गई। रामनवमी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिन है, क्योंकि आज के दिन लोग जो है कलश स्थापना जो है उसको स्थापना करने के बाद जो है पूरी स्थापना करने के बाद जो है आज जो माताएं बहने जो है स्थापना के घर में स्थापना के बाद जो देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है जो मंदिर पे आती है दर्शन करती है। और दिखाई देते हैं हम लोग जो माता बना उसकी भक्तों की भीड़ लगी है, लगातार जो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ, आना जाना लगा हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आज माँ जो है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उपेंद्र, अभी कानपुर के आप किस मंदिर में मौजूद है और जिस मंदिर में है उसकी क्या कुछ मान्यता है?
जी मैं तो दर्शन कम थी मंदिर में 12 बजे मंदिर बैठूंगा। लगभग देखा है तो 400 साल वर्षों से पुराना ये मंदिर प्राचीन मंदिर माना जाता है। और जो यहाँ पे जो आज के दिन जो है जो आज भक्त है वो अपने बच्चों को जो मंदिर संस्कार और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती उसमें जो है जो किस तरह से उनके भी पूजा की जाती है वो आज जो है उसकी जो उपासना है जो आज पूरी होगी विधि द्वारा। रविंद्र जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है, भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, मंदिर में कैसी व्यवस्था की गई है? जी अगर साहब देखा तो वैसा जो मंदिर प्रशासन जो है पूरी तरीके से स्टाफ लोगों रखा हुआ है। अब बात रही पुलिस की तो पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और आज सबसे बड़ी समस्या कानपुर में देखा है तो आज जो रामनवमी का जुलूस निकलना है उसको लेकर जो ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है और जो कमिश्नर जो बीपी गोदंड है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। उन्होंने कल जो है गाइडलाइन जारी करी है, रूट ड्राइवर ने जारी किया है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो है आज पूरी तरीके से जो है जवारे निकलेंगे मंदिर में जवारे पहुंचेंगे और रूट डाइवर्जन पूरी बात को मेट्रो काम को लेकर के रूट डाइवर्जन किया गया है। उपेंद्र आसपास आपके श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है बताता जी आप बताइए किस तरह से माँ के दर्शन करने आज आई हैं और माँ जो आपके यहाँ मनोकामना सारी पूरी इस मंदिर की आज विशेषता क्या है? श्रद्धालु साफ कहना है कि जो है उनकी माँ से जो है आस्था जुड़ी हुई है पूरी तरीके से और माँ जो है वो पूरे ये दरबार जो है सच्चा दरबार है। एक बार पूरी मंदिर की आप दिखाने की कोशिश करें तस्वीर। इस तरीके से जो पुरुषों की जो लाइन है पुरुषों की लाइन लगी हुई है और महिलाओं की भी पूरी तरीके से लाइन लगी हुई है और भक्तों को जो लगातार जो है साथ आगे चला जा रहा है और बात रही सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से सात चौवन सुरक्षा व्यवस्था है और आपको दिखाते हैं मंदिरों में किस तरीके से जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है लगातार दिखाते चले आ रहे हैं पूरी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे विशेष प्रथा है कि जिस तरीके से माँ को चुनरी बांधी जाती है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर जो पहले दिन से लेकर जो नवरात्र नवमी के दिन आता है वो चुनरी जो है पूरी तरीके से खोल दी जाती है और उसका जो है माँ की जो मनोकामनाएं जो है पूरी करती है। और भी श्रद्धालुओं से बात करें उपेंद्र। क्या नाम है भैया आपका? विनोद जी आज आप 12 बजे मंदिर आए माता दर्शन करने आए हैं, किस तरह की आस्था इस मंदिर आपको मिलेगी? भक्तों साफ हो रहा है कि जो घर जो है सुशाल रहे बना रहे और देखिए पूरी तरीके से दिखाते चले आपको जो है किस तरीके से माता बहना जो है दर्शन जो है देखिए किस तरीके से लोग जो है नारियल चुन रही और जो पूरी तरीके से खा रहे हैं और साफ एकदम दिखाया जा रहा है किस तरीके से माँ जो है श्रद्धालुओं को देखिए किस तरीके से जो माता बहने हैं उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पे है पूरी तरीके से साफ सौगंध है। और सवाल रहा देखा जाए तो जो कोविड काल को लेकर के कोविड गाइडलाइन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मंदिर प्रशासन हो और चाहे 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 पुलिस प्रशासन हो सबसे पूरी तरीके से। कानपुर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, माता रानी की लाइव दर्शन कर रहे थे। बता दें आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है, महानवमी पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है। उपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आज महानवमी पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माँ इस पूजा से भक्त बता दें माँ की आज पूजा की जाती है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश आज नवरात्रि की महानवमी है, आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही? नवरात्र का जो आज आखिरी दिन है 9वां दिन है और श्री राम नवमी भी है आज में खासा भूख देखने को मिल रही है। हम लखनऊ के अलीगंज स्थित विंध्याचल मंदिर में हैं, यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है और सुबह से लगातार यहाँ पर आना जाना बच्चों का लगा हुआ है और वहाँ पे जो कन्या पूजन का भी जो प्रावधान है सुबह पूजन अर्चन करके कन्या का पूजन किया जाता है तो जितनी माताएं हैं यहाँ पर आई हुई है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कन्याओं के साथ मिल करके और पूजन अर्चन यहाँ लगातार कर रही है।
तो आज रामनवमी का दिन है, नवरात्र का आखिरी दिन है, तो कहीं कहीं भक्तों का भीड़ प्रांगण में मंदिर में देखने को मिल रहा है। आपको देखने से भी तस्वीर में पीछे लग रहा होगा इस तरीके से यहाँ पर दर्शन के लिए लगातार लोग यहाँ को लेकर यहाँ मंदिर के लगातार भक्तों का यहाँ पर की लाइव दर्शन करवा रहे थे। बता दें चैत्र नवरात्रि की महानवमी है, महानवमी पर माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। रितेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि आज रामनवमी है और रामनवमी का बेहद ही खास महत्व होता है। भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं और विशेष फल की प्राप्ति करते हैं। बता दें कि नवरात्र का हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व माना जाता है। भक्त 9 दिन माता की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, आज रामनवमी है, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और जिस मंदिर में है उसकी क्या कुछ मान्यता? बता दो कि शक्ति आराधना और साधना और माँ दुर्गा के नव स्वरूप का भक्ति पूजन और भक्ति साधना का महापर्व नवरात्रि का आज 9वां दिन है और हम इस समय प्रयागराज के शक्तिपीठ माँ ललिता देवी के मंदिर में है। यहाँ पे सुबह से ही आप देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए हुए लोग आ रहे हैं। और बता दें कि आज के दिन जो भी भक्त सिद्धदात्री का पूजा अर्चन करते हैं तो ये माना जाता है कि जो भी आज के दिन सिद्धदात्री का पूजा करता है तो सभी देवियों का उसको फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आज माँ की विदाई का भी दिन है, तो जिस तरीके से कल माँ का कन्या पूजन किया गया था आज भी माँ का कन्या पूजन चल रहा है। हम आपके वो भी तस्वीर दिखाएंगे बाहर, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ, यहाँ पे
कन्याओं का पूजन अर्चन चल रहा है। यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे पूजा कर रही हैं, यहाँ पे उनको भोग लगा रही, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जलेबी का, यहाँ पे उनको कुछ दक्षिणा दी जा रही है और माँ को एक यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक पूरा देखा जाए पूरा श्रृंगार जिस तरीके से माँ का किया जाता है, यहाँ पे भी इन कन्याओं का पूरा श्रृंगार करके उनको हलवा चना का भोग लगाया जा रहा है और यहाँ पे सभी माताएं उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रही है कि हमारे घर की सुख शांति बनी रहे, समृद्धि रहे। तो हम इनसे भी कुछ यहाँ महिलाएं हम इनसे बात करेंगे, आज यहाँ पे आप लोग आई हैं, यहाँ पूजा कर रही हैं और यहाँ पे यहाँ कन्या पूजन कर रही है, तो क्या आज का दिन क्या खास बात है? आज का दिन बहुत खास है, नौ देवी की पूजा होती है, उनके रूप में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है, इससे हमारे मन को और भगवान को। किस तरीके से आज आपने पूजा किया, क्या आपने यहाँ पे कन्याओं को खिलाया? जी हमने नहीं खिलाया पर बाकी सब खिला रहे हैं। क्या खास तरीके का इनको भोग लगाया जाता है? इनको खास तरीके का भोग ये लगाया जाता है, पूड़ी हलवा चना इसका भोग ज्यादा करके लगाया जाता है और कुछ लोगों के जैसे मन की बात है तो दही जलेबी या अन्य प्रकार की चीजें भी दे सकते हैं, जैसे बच्चों के मन का जैसे ये देखिए फ्रूटी है वगैरह वगैरह सामान देते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे चने का भोग, हलवे का भोग, पूरी का भोग लगाया जा रहा, साथ ही आज के जो ट्रेंड है देखा जाए तो माँ को यहाँ पे कन्याओं को अलग अलग तरीके से चिप्स हो गया, फ्रूटी हो गया, तो वो भी जो उनको पसंद है वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। आशीष जिस तरह से हम देख रहे हैं भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, आज नवरात्र का आखिरी दिन है, मंदिर में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का आना जाना चालू हो गया, सुबह से ही दर्शन पूजन का कार्य चल रहा है। और बात करें यहाँ पे सुरक्षा की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी भी लगी है, क्योंकि देखिए अष्टमी के दिन और नवमी के दिन ज्यादा भीड़ हो जाती, भक्तों का ज्यादा आना जाना हो जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं महिला सुरक्षा कर्मी एक एक लोग को दर्शन करा के और सुचारू रूप से वो दर्शन करा के बाहर की ओर जो बाहर निकासी का द्वार दिया गया वहाँ उनको भेजा जा रहा है कि किसी तरीके किसी को कोई दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से माँ को दर्शन हो सके। देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था करी गई है, तो यहाँ पे सभी देखिए यहाँ पे महिलाएं, कई महिलाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में और ये गुड़हल का फूल ये है माँ, तो कहा जाता है कि जो माँ को गुड़हल का फूल बड़ा पसंद है। आप यहाँ पे आई किस तरीके से आज पूजा अर्चना करी, क्या कुछ? आज रामनवमी है जैसे कि, और हम लोग अभी दर्शन करने आए हैं आज, मतलब नवरात्र के रूप में आज माता रानी की विदाई हो रही है, फिर रूप में रोड कोई सब लोग पूरी हलवा बना के चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली माँ आएगी। जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे आज माँ की विदाई भी है और माँ का आज माँ की विदाई के साथ साथ आज रामनवमी है, आज भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, ये मान्यता है। और आज के दिन और ज्यादातर सभी मंदिरों में माँ की जयकारों के साथ साथ रामलला का भी जयकारा चल रहा है, क्योंकि आज राम जी का जन्म है, पुरुषोत्तम राम जी का जन्म है, तो हर ओर खुशियां मनाई जा रही है। जिस तरीके से आप जान सकते हैं कि किसी के घर में बाल गोपाल होते हैं तो जिस तरीके से उनकी खुशियां मनाई जाती है, तो आज भगवान राम का जन्म है, तो आप समझ सकती हैं कि भगवान का जब जन्म होगा तो कितना हर्ष उल्लास और भक्तिमय पूरा ये प्रयागराज हो गया है। और आज कई तरीके के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं सरकारी, जिस तरीके से सीएम योगी के द्वारा कई एक पहल की गई थी उसके तहत भी आज प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज इस मंदिर प्रांगण में ब्राह्मणों के द्वारा राम रामायण का भी पाठ किया जाएगा। आशीष जो आप बता रहे हैं ये प्रोग्राम किए जाएंगे, पाठ किए जाएंगे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे शाम के वक्त आज यहाँ रामायण का पाठ किया जाएगा, इसमें बहुत से यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा वो पाठ किया जाएगा, क्योंकि आज रामनवमी है तो राम पाठ है। डेली जिस तरीके से डेली लोक कलाकारों के द्वारा प्रतिदिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहे थे, भक्तिमय प्रोग्राम चल रहे थे, पर आज रामनवमी का दिन है तो रामायण का पाठ किया जाएगा, राम की भक्ति में लोग डूबे हैं। यहाँ पे वहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, जो सरकार की तरफ से पहल की गई है, वहाँ पे दूर एक बोर्ड भी रखा है, तो उसमें जो डेली की पहले दिन से जो तरीके से प्रोग्राम थे, जो कलाकारों के प्रोग्राम थे वो थे। आज रामनवमी का दिन है, राम जी का दिन है, तो आज रामायण का पाठ किया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से आपको माता रानी के लाइव दर्शन करवा रहे थे। बता दें आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है, महानवमी पर माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप की पूजा की जाती है। आशीष बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
बता दें कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यश बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की को सिद्धि और मोक्ष की देवी भी माना जाता है। इसके साथ ही त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इस बारे ये त्योहार त्रेता युग जैसे तिथि और नक्षत्र के सहयोग से मनेगा। और सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है, आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, किस मंदिर में मौजूद हैं, उस मंदिर की क्या कुछ मान्यता? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज नवरात्र का नवमी का आखिरी अंतिम दिन जो हजारों की संख्याओं में बैठ के यहाँ पे हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें किस तरह की यहाँ पे हवन पूजन चल रही है। हमारे पीछे लगातार हवन पूजन की संख्या में चल रही है, कई गोल में हवन पूजन हो रही है। इसके साथ ही साथ जो है मंत्र के साथ जो है हवन पूजन की जा रही है। हम एक बार आपको मिलाने की कोशिश करेंगे और किस की पूजा हो रही है, किस की पूजा यहाँ पे संपन्न कराई जा रही है, हमारे बीच में पुजारी है, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइएगा यहाँ पे किस की पूजा हवन पाठ को लेकर चल रहे हैं? हम गायत्री शक्तिपीठ सुल्तानपुर के व्यवस्थापक कैलाश नारायण तिवारी, यहाँ हम लोग नए साल की शुरुआत जब करते हैं तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। हजारों गायत्री साधक यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ जो स्थापित है यहाँ करके अपना संकल्प लेते हैं 24,000 गायत्री मंत्र के जप का। 24,000 गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान होता है जिसमें 30 माला प्रतिदिन का जप होता है, प्रतिदिन सुबह से शाम तक यहाँ जप चलता रहता है। वो वर्ष 9 वर्ष की शुरुआत में शुरू हो गया और आज उसकी पूर्णावती कर रहे हैं हम सब लोग। हजारों हजार साधक जो अनुष्ठान संकल्प लिए और भी लोग हमारे बीच में, उनसे भी बात करेंगे। आज हवन पूजन आप करवा रही हैं, वो कौन सा मंत्र है जो हवन पूजन आप लेके कर रही हैं? जिस तरह इन्होंने बताया है हर तरीके से मंत्र के साथ जो है हवन पूजन कराया जा रहा है। और भी लोग हैं जो यहाँ पे हवन करने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह की हवन पूजन यहाँ पे चल रही है। आज 9 दिन की पूजा करने के बाद जो है हवन आप कर रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार कन्या पूजन को लेकर जो है यहाँ पे रौनक देखने मिल रही है और 9 दिन की महिलाएं जो व्रत रहती हैं वो आज अपना गायत्री मंदिर के अंदर आके परिसर में ही हवन पूजन करने के बाद लोगों को कन्या खिला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है मंदिर पुजारी की तरफ से जो है तो यहाँ पे खिचड़ी भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है, उसको भी लोग सेवन कर रहे हैं। 9 दिन बाद जो है अपना कन्या व्रत तोड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरह हम तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, काफी उत्साह दिख रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है जो हर जगह मंदिरों पे भागवत कथा और सुंदरकांड को लेकर जो फरमान किए थे उसी को उत्साह में इस बार देखते हुए जो है लगातार मंदिरों में अच्छी खासी रौनक देखने मिल रही है और भीड़ भी दिख रही है। श्रद्धा के साथ लोग अपनी पूजा पाठ करने के बाद जो है घर भी जा रहे हैं और अच्छे ढंग से पूजा को संपन्न भी कराया जा रहा है। आशीष, एक बार पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे नजारा है। ये नजारा जिस हिसाब से दिख रहा है ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक साथ झुंड में जो है हवन पूजन कार्यक्रम चल रहा है। हवन पूजन के साथ साथ जो है लोग शांति पूर्वक हवन भी कर रहे हैं, एक गायत्री मन के साथ जो है हवन पूजन यहाँ पे किया जा रहा है।
तो हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। जैसा कि आपने देखा, भारी संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है और बड़े ही धूमधाम के साथ माता की और श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। बता दें कि आज का दिन बेहद ही महत्व होता है और लोग आज के दिन हवन और पूजन करते हैं और विशेष फल की प्राप्ति करते हैं। बता दें आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है। महानवमी पर माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यश बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। इसके साथ ही त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार लिए थे। इस बार ये त्योहार त्रेता युग जैसे तिथि और नक्षत्र के सहयोग में मनेगा। श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए रामनवमी की पूजा दिन में ही की जाती है। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।